के 10 पुत्र थे, जिनमें सबसे छोटे का नाम उसकी पत्नी ने ब्राह्मणों के कहने पर नारायण रखा था। अजामिल को नारायण की तोतली तोतली बातों वे उसकी लड़खड़ाती चाल पर बहुत आनंद आता था। अजामिल अपने उस छोटे पुत्र नारायण को बहुत चाहता था। खाते पीते सोते जागते सदा नारायण को पुकारता रहता। अजामिल ये नहीं समझ पाया कि उसके जीवन का समय अब समाप्त हो चुका है और मृत्यु उसके सिर पर खड़ी है। जब मूर्ख अजामिल की मृत्यु का समय आया तो वह एकमात्र अपने पुत्र नारायण के विषय में सोचने लगा। का पात्र है। जो मनुष्य भगवान के नाम
मृत्यु के समय अत्यंत जोर जोर से नारायण नाम का उच्चारण किया है, जिससे वह शुद्ध हो चुका है। तो ए यमराज के सेवकों, इसे यमलोक ले जाने का प्रयास मत करो। जिस तरह आग सूखी घास को जला डालती है, उसी तरह भगवान का नाम सारे पाप कर्मों का नाश कर देता है। परंतु इसने तो भगवान का स्मरण किया ही नहीं, इसने तो अपने पुत्र को पुकारा है। भला इस पापी व्यक्ति के मुख से भगवान का नाम कैसे निकल सकता है? चाहे इसे व्यक्ति को भगवान के कीर्तन का मतलब ना भी पता हो, लेकिन वह फिर भी कीर्तन करे तो उसे उतना ही फल मिलता है। अजामिल के मुख से भगवान का नाम निकला है, ये तो भगवान की अटूट कृपा है, जिसके कारण ये अपने अंतिम समय में भगवान नारायण का नाम ले पाया है। हम विष्णुदूत हैं, हम भगवान नारायण की आज्ञा से ही इसे बचाने आए, क्योंकि भगवान इसे भक्ति का एक और अवसर देना चाहते हैं। तो आप इसे यमलोक नहीं ले जा सकते। आपका कथन सत्य है, नारायण सर्वेश्वर है, अंततः उनकी आज्ञा सर्वोपरि है। हमें क्षमा कीजिए, हम अभी यमलोक वापस लौट जाते हैं। अरे क्या मैं ये स्वप्न देख रहा था? वो जो काले काले राक्षस मुझे फंदा डालकर खींच रहे थे, वो कहाँ है? और जिन महापुरुषों ने मुझे बचाया वो कहाँ है? हाय हाय, मैं कितना बड़ा पापी हूँ कि यमदूत मुझे नर्क में लेने आए। मैंने अपने ब्राह्मण पुत्र को कलंकित किया है, मैंने अपनी सुंदर व ब्राह्मण पत्नी को घर से निकाल दिया, शराब पीने वाली इस तरह अजामिल ने अपनी बुद्धि तथा मन को भगवान की भक्ति में लगा दिया। भक्ति में लीन हुए अजामिल ने उन्हीं विष्णु दूतों को देखा जिन्हें वह पहले भी देख चुका था। उन्हें प्रेम पूर्वक नमस्कार किया और अपना संसारी शरीर त्याग कर विष्णु दूतों जैसा शरीर प्राप्त कर विष्णु दूतों के साथ विमान में सवार हो विष्णु धाम को चला गया। अतः जो व्यक्ति समस्त पापों से मुक्त होकर भगवान के नाम जाना चाहता है, उसे भगवान के नाम का कीर्तन करना चाहिए। जो कोई भी श्रद्धा पूर्वक तथा निरापराध होकर भगवान के नाम का उच्चारण करता है, वह निस्संदेह भगवान के पास जाता है। Friends, for giving us a wonderful lesson through your performance. Now I would like to call Raghavan group for another amazing and scintillating performance. So please welcome them with a huge, huge round of applause. Hey friends, today I wanna tell you a story of a boy. Sorry, okay? Yeah, mom, everything is done. I think I should leave now because I'm getting late for my dance competition. Bacha, take care of yourself and listen to one thing very carefully. Always remember my words. Yeah, mom. तेरे को लाइफ में हमेशा दो तरह के लोग मिलेंगे, एक वो जो तुझे सही रास्ते पे लेके जाएंगे और दूसरे वो जो तुझे हमेशा गलत ट्रैक की तरफ लेके जाएंगे। अब इट्स अप टू यू कि तुझे किनको चूज करना है, गलत दोस्तों को या सही दोस्तों को। मॉम, ट्रस्ट मी, आई विल नेवर ब्रेक योर ट्रस्ट एवर। बाय बाय, टेक केयर, लव यू मॉम। ही एंटर्ड इन द कॉलेज एंड टेक पार्टिसिपेशन इन द फ्रेशर्स पार्टी टू शो हिज पोटेंशियल इन डांस। जाना तोहफा क्या लेके जाइए
कोई मंजिल है ना कोई साथी है, फिर भी निकल पड़ा हूं घर से, चाहे जिसकी तलाश है वही साथी है वही मंजिल है। पप्पा जाने जाना ढूंढे तुझे दीवाना, सपनों में रोज आए आ जिंदगी में आना। पप्पा जाने जाना ढूंढे तुझे दीवाना, सपनों में रोज आए आ जिंदगी में आना। सनम Rejection doesn't mean you aren't good enough. It means the other express fail to notice what you have to offer. Rejection from Shania make him heartbroken, but rejection is a sand in the oyster that irritates that ultimately produce a pearl. Heartbroken Raghav start living alone and feel his beloved in his dreams. सुख सुख सपने भी बिज गए, नैना लगी
हमेशा रोवे पलकां दे कोने विच नींद मेरी नैणा लगियां बारिशां हंज डिग दे ने चोट लगे दिल ते नैणा लगियां बारिशां रुत मेरे हादे बदलां दी छा गई काली काली खाली हाथों से होने लगी है दोस्ती खोया खोया इन राहों में अब मेरा कुछ भी नहीं हर पल हर लम्हा मैं कैसे सहता हूँ हर पल हर लम्हा मैं खुद से ये कहता रहता हूँ तुझे तो आती रहती हैं। यार तूने वो गाना नहीं सुना यारो आंदियां रहनियां कुड़ियां ते बसों हे तेरे मॉम डैड को तेरे से बहुत उम्मीदें हैं छोड़ इन फालतू बातों को अपने करियर पे ध्यान दे ब्रदर अपॉर्चुनिटीज आर लाइक सनराइज इफ यू वेट टू लॉन्ग यू विल मिस देम अरे भाई प्यार व्यार सब धोखा है पढ़ ले यही मौका है चल भाई लेट इट बी Focus on the goal. हाँ यार
मेरा ध्यान हट गया था बट नाउ आई विल प्रॉमिस टू फोकस ऑन माय सेल्फ एंड माय ड्रीम्स ड्रग्स टेक यू टू हेल एंड डिस्गाइज एज हेवन द मेंटालिटी एंड द बिहेवियर ऑफ ड्रग एडिक्ट्स एंड अल्कोहल्स इज होली इरिटेशनल until you understand that they are completely powerless over their addiction and unless they have help they have no hope with the inspirational words of Raghav's friends he get back to life and get back to his goal which is dance Believe you can, and you are halfway there.
Never let go of your dreams. Don't worry about your failures. Worry about the chance you miss. I'm thankful for all those difficult people in my life. Who has exactly shown me that? Who am I and what I want to be in my life? Thank you. Thank you.
Story.
ਸੰਗ ਸਾਲਾਂ ਤੇ ਮਟਕੀਆ ਨਾਲੇ ਸਰੋਂ ਦੇ ਤੰਦਨ ਛਿਲੀਆ ਵੀਰ ਮਿਲਿਆ ਜੁਗਣੀ ਅੱਲਾ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਤੇਰੀ ਜੁਗਣੀ ਤੂੰ ਆਵੇ ਤੇਰੀ ਜੁਗਣੀ Yeah.